जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, गंगापुसरी रेलवे स्टेशन पर वन घंटी बालाजी समिति के द्वारा भंडारा शुरुआत हो चुका है। दर्शकों, आप देख रहे हैं गंगापुसरी रेलवे स्टेशन पर आप देख रहे हैं वन घंटी बालाजी समिति के द्वारा संचालित है, निःशुल्क भंडारा चल रहा है और जन सहयोग से चल रहा है। दर्शकों, और हमारा जितने भी केला देवी के यात्री हैं, आने और जाने वालों के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई है। जन सहयोग से आप देख रहे हैं। दर्शकों, गंगापुसरी के रेलवे स्टेशन पर ये भंडारा चल रहा है केला देवी यात्रियों के लिए, और राजस्थान रोडवेज की तरफ से गंगापुसरी रेलवे स्टेशन पर रोडवेज की व्यवस्था भी की गई है। केला देवी में जाने के लिए मात्र 25 रुपये किराया है रोडवेज का। क्या चाहिए? पूरी देना भैया, इधर देना पूरी। कार्यकर्ता आप इसे ध्यान दो। जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, गंगापुसरी हर साल की बात ही 14वां भंडारा है ये, और वन घंटी बालाजी सेवा समिति के द्वारा जन सहयोग से ये विशाल भंडारा चल रहा है केला देवी यात्रियों के लिए। वन घंटी बालाजी समिति के द्वारा संचालित है ये, और जन सहयोग से ये भंडारा चल रहा है। पंडित जी, क्या कहना चाहोगे? देखो साहब, हर भांति ये बहुत बढ़िया भंडारे का यहाँ वो चलता है माता जी का, और बढ़िया प्रेम से, यानी कम से कम 2-5 हज़ार आदमी रोज के भोजन करते हैं, और बढ़िया प्रेम से यहाँ पूजन होता है। मंडल बना हुआ है और माता जी के यानी भक्तों की खूब लाइन लगती है, देने वाले की भी और खाने वाले की भी। और पंडित जी, गंगापुर में ये सबसे बढ़िया यानी अच्छा काम किया है ये बनखंडी समिति ने। पंडित जी, कल एक विशेष दिन है, कल क्या बताना चाहोगे कल के बारे में? कल के बारे में जो चालू हुआ उसके बारे में, कल नवरात्रा के बारे में देखो, अभी आनंद और संवत्सर भी नया चालू हो रहा है। दूसरी यानी भक्तों की यानी यही इच्छा है कब नवरात्रा आए और कब नया संवत्सर आए, और हम माता जी के यानी अच्छे से अच्छे यानी व्रत कर सकें और माता जी की सेवा में लग सकें। इसलिए सबसे हर्ष उल्लास की बात है, कल संवत्सर भी चेंज हो रहा है और माता जी का यानी पहला प्रथम नवरात्रा है। इसमें धूमधाम से भक्त लोग यानी आनंद से यानी माता जी को चौकी पर बैठाएंगे और कलश स्थापना करेंगे और 9 दिन तक नवरात्रा की जो कल चौकी बैठ प्रारंभ होगा, कितने बजे से मुहूर्त है इसका? देखो साहब, प्रातः काल भी है 7:30 से 11 बजे का, घट स्थापना, घट स्थापना 7:30 से 9 का भी है और 11:35 से भी है। अब जैसे यानी भक्तों को समय है वैसे हिसाब से यानी माता चौक देख रहे हैं। दर्शकों, कल से माता का घट स्थापना हो जाएगा, कल से घर घर में और मंदिरों में यानी महिलाएं यानी भजन संध्या करेंगे, माता जी की भेंटें गाएंगे और बढ़िया धूमधाम से नवरात्रा 9 दिन की मनाएंगे। जय माता दी, जय माता की। देख रहे हो भंडारा चल रहा है यहाँ पर। माता जी का चल रहा है गंगापुसरी रेलवे स्टेशन पर भंडारा, और क्या कहना चाहोगे? और कल से नवरात्रा भी प्रारंभ हो रहे हैं माता के, क्या कहना बोल रहे हैं? कल के नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, देख रहे हैं क्या, और विशाल एक भंडारा 14वां भंडारा चल रहा है ये, और बनखंडी बाला समिति के द्वारा जन सहयोग से ये भंडारा चल रहा है। दर्शकों, मैं बोलूँ
बोलो। जय माता दी। ये भंडारा गंगापुर में करीब 14वां भंडारा हम लोगों ने प्रारंभ किया है और हमारी छोटी संस्था है बनखंडी बालाजी सेवा समिति और आम जन गंगापुर के सहयोग से ये भंडारे का हम लोग आयोजन करते हैं और इसमें पूरा शहर इसमें यूँ मान के चलो सहयोग करता है हमारा। कोई बर्तन सफाई करता है, कोई प्रसादी बांटता है, कोई क्या तो इस तरह से मैया की सेवा में सभी लोग लगे रहते हैं। और कल से घट स्थापना हो जाएगी और ये भंडारा देखो कितने टाइम तक चलता है। बस 15 भंडारे का समय क्या शुरू होने का? भंडारे का समय सायंकाल 5 बजे से लेकर रात्रि 10 से 11 बजे तक हम लोग भंडारा चलाते हैं और जब तक यात्री आते रहते हैं तो हम लोग भी सेवा में लगे रहते हैं, प्रसाद सेवा में लगे रहते हैं। और देख रहे हैं दर्शकों, गंगापुर सिटी के रेलवे स्टेशन से हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। और दर्शकों, खासकर केरला देवी यात्रियों के लिए ये भंडारा लगाया गया, केरला देवी आने जाने वाले यात्रियों के लिए। और इसमें कोई जो सेवा देना चाहे अपनी सेवा तन और मन और धन से दे सकता है।